राज्य शासन द्वारा चलाया गया एक मास्क बचाए अनेकों जान अभियान के तहत आज देपालपुर तहसीलदार बजरंग सिंह बहादुर, सीएमओ चंद्रशेखर सोनीस और नगर परिषद द्वारा नगर में निशुल्क मास्क वितरण किए गए। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उन्हें समझाइश देकर मास्क पहनने का महत्व भी बताया गया। नगर में व्यापारियों से अपील की गई कि शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अंतर्गत आप भी मास्क पहने और अपने ग्राहक को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए। इस दौरान यातायात में बाधक ठेला गाड़ियों मोटरसाइकिल अन्य वाहनों के चालन भी बनाए गए। देपालपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। तो सतत रूप से जो प्रशासन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसी का हिस्सा है, लेकिन हम आज जो है ये मास्क के प्रति लोगों को एक अलग दृष्टिकोण से इनको अवगत करा रहे हैं कि भाई आप एक मास्क लगाते हैं जो एक मतलब रहता है आमतौर पर, जैसे मैंने जो मास्क लगाया सर्जिकल मास्क 10 रुपये का मिलता है, लेकिन इसको यदि आप लगाते हैं तो अपनी ही नहीं और दूसरों की भी ज़िंदगी आप सेव रखते हैं। अर्थात यदि मास्क आप नहीं लगाएंगे तो आप तो खतरे में हैं ही, दूसरों को भी खतरे में रखते जाएंगे। और कोरोना आज जो है ऐसी स्थिति में है कि लगातार मतलब इसकी जो फैलने की दर जो है बड़े शहरों से छोटे शहरों, छोटे शहर से गांव में अब फैलता जा रहा है। इसलिए मास्क को हमको जो है अनिवार्य रूप से अपने एक शरीर में जो कपड़े पहनते हैं उसी प्रकार से अनिवार्य परिधान के रूप में पहनना पड़ेगा। और यदि हम इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देते रहें तो निश्चित रूप से इसका हमको सकारात्मक परिणाम दिखाई देगा और हम अपने क्षेत्र को, देपालपुर को इस प्रकार की जो कोरोना जैसी व्याधि से बचाने में सफल रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।